किसी के फटे में पैर मत डालो नहीं तो फट जाएगा पूरा। तो वही हुआ जिसके लिए आवाज उठाई, उन्होंने ही बैक स्टैप कर दिया, अपने सर पे अंडा फोड़ दिया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और लाला क्या हाल चाल। तो गाइस किसी महापुरुष ने कहा था कि पटेली वहां पे करनी चाहिए जहाँ पे अच्छी लगे। अगेन यूट्यूब पे, लेकिन 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 यहाँ पे कोई पटेली नहीं होने वाली, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट की बारिश होगी। मेरे को मालूम है अभी तुम लोग भरोसा नहीं करने वाले, लेकिन कर लो यार और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस जोक्स अपार्ट, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने के पीछे जो मेरा मोटिव था वो ये था कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई पास्ट में, कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, वो सारी बातों में आप लोग को बहुत सारे डाउट्स आ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते और आगे बढ़ते हैं यार। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अपना पहला क्वेश्चन पूछा है लव हैकर ने, भाई किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। अबे भाई लाते कहां से हो इतना स्वैग, मेरे पास तो नहीं है इतना स्वैग। तो यार अपने आगे के क्वेश्चंस में समझ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछने थे। तो ऐसे रोमांचक सवाल के बाद आइए बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। How did the YouTube versus TikTok controversy affected you? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्टार्ट में तो मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए नई थी और इतना हेट कभी मिला नहीं था। तो बाद में समझ में आया कि दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट हेट एंड लव बोथ। तो वो बोलते हैं ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहना चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं होती है ना। तो ठीक है यार, इफेक्ट हुआ था बट अब सारी चीजों को पॉजिटिवली ले रहे और चलती का नाम जिंदगी है तो चलते रहो यार। स्टार बनने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो यार मैं पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ आप लोग के जैसा। और इंशाल्लाह आपने जब ये टैग दिया है स्टार का तो मेहनत जरूर करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। तो बस आप लोग का प्यार चाहिए और आप लोग की दुआ। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम टू अचीव? तो यार बचपन से लेके अभी तक मेरे मॉम एंड डैड ने मेरे सारे सपने पूरे किए, मेरे सारे विशेस पूरे किए उन्होंने। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं और अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं, और साथ ही साथ मेरे जो टीम नवाब की फैमिली है जो अभी हमारे साथ इतने क्लोज हो गए, हम इतना जुड़ चुके हैं, तो उनके सपने पूरे करना और उनके लिए कुछ करना और उनको ऐसे ही एंटरटेन करते रहना। हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स, बाय द वे बिग फैन। तो ये क्वेश्चन पूछा है इशिता ने। सो इशिता थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बट इशिता मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आप ये इंडस्ट्री में होते हो ना तो यहाँ आपको प्यार और हेट दोनों मिलेगा। तो यार प्यार लेते चलो और हेट का क्या है, एक दिन आपके अच्छे काम और आपकी अच्छी चीजें देख के हेट भी प्यार में बदल जाता है और ऑलवेज के पॉजिटिव यार। सो थैंक यू सो मच इशिता। क्या आप बिग बॉस 14 में आ रहे हो? तो यार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बचपन से सलमान भाई को देख रहे और उनसे मिलने की तमन्ना थी। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, आई लव हिम अलॉट, बट जहाँ तक रही बिग बॉस 14 की बात तो मैं ये शो नहीं करूँगा। अपने ड्रीम्स और अपने प्लान कुछ और है तो आगे आप लोग को सब पता चल जाएगा, तो बिग बॉस के लिए नहीं। मेरे को मालूम है तुम लोग कौन सी चीज का वेट कर रहे हो, तो आ रहा हूँ वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कैरी से बात होती है बताना जरूर। तो यार हाँ रोज बात होती है, अपना खास है ना एकदम, मैं भी फोन करता हूँ, वो भी अपने को फोन करता है, शूटर है अपना। जोक्स अपार्ट अभी तक तो बात नहीं हुई है, बट ये दुनिया है ना बहुत छोटी है, तो किसी दिन मिलेंगे जरूर, तभी मंजर कुछ और होगा। आप भी यही पे हो, मैं भी यही पे हो, तो देखते हैं यार। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाउ डिड यू ओवरकम योर बैड टाइम्स? सो ये क्वेश्चन पूछा है चांदनी। तो मिस चांदनी मैं यही बोलना चाहूंगा कि वक्त सबका बदलता है, वक्त अच्छा भी आता है, वक्त बुरा भी आता है, और जिंदगी के इस सफर में अगर तुमने और मैंने कुछ नया नहीं सीखा तो फिर क्या ही जिया। बुरा मत मान, क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाला? लव फ्रॉम गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा है मिस्टर पारेख 2203 ने। तो यार पारेख पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी थी, रायता इतना फैल गया था, तो यार तू ना मेरे को फंसाना चाहता है मेरे को लगता है एक्चुअल में। लेकिन अगर मेरा ये वीडियो डालने के 7 दिन के अंदर अगर इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं ना तो डिस्ट्रैक्ट यू नेवर नो शायद आ सकता है। तो पारेख मच लव फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच।
भाई इतना कुछ हो गया, YouTube वर्सेस TikTok मतलब हद हो गई थी, आपको इतना ट्रोल किया गया, आप YouTube पर कैसे मैनेज करोगे? यार इतना कुछ मैनेज कर लिया तो यार यहाँ पे भी मेहनत करके अपने कंटेंट से लोगों का दिल जीत के कर लेंगे मैनेज यार, क्या है, प्यार लो आप लोग हो ना सपोर्ट करने के लिए, सो सब्सक्राइब करो। भाई आप YouTube चैनल में कौन सा चुनोगे, मतलब ब्लॉगिंग, रोस्टिंग, डट 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 डट? तो भाई शुभम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपन सब करेंगे भाई, मतलब ट्राई करूंगा मैं अभी अब आई गए YouTube पे तो यार हर चीज ट्राई करेंगे, आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, मस्ती करेंगे, मचाएंगे, तो आगे देखते रहिए, बहुत सारे सरप्राइजेस है आप लोग के लिए। साले तूने कैरी मिनाटी को फोन पर गालियां क्यों निकाली थी, योर कॉल रिकॉर्डिंग इज आउट। रिसर्च करके आया ना, क्या मालूम पड़ा वैसे तेरे को, गूगल पे कौन है ये सहेज 39। सहेज पहली बात मेरी कंट्रोवर्सी मेरे को ही नहीं मालूम रहेगा, पहली बात वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं वॉइस नोट था मेरी जान। और सहेज मच लव टू यू, बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इंशाल्लाह अगली बार फिर बात करेंगे अपन, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहो। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। Why you choose hashtag skirt in your Insta post? अरे यार आप लोगों को एक बात बताऊं क्या, मैं इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, मैं एवरी डे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपडेट करता ही हूँ, भले वो वीडियो या फोटो, तो यार कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाता है, मेरे को डालने का था हैशटैग शर्ट, वो हो गया स्कर्ट, मैंने स्कर्ट डाला है ना, तू फ्रॉक डाल दे। ₹200 की मिठाई कैसी है, किसने पूछा है, संजू। तो यार संजू ये ₹200 की मिठाई जिस दिन हलक में फंस जाएगी ना मेरी जान, तो पानी से भी नहीं उतरेगी ये मिठाई, कभी कभी ये ₹200 की मिठाई ना बहुत महंगी पड़ सकती है, तो छोड़ो यार आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या चेंजेस आए लाइफ में कंट्रोवर्सी के बाद, किस किस ने अपनी औकात दिखा दी? रवि थैंक यू सो मच, आपने एक क्वेश्चन पूछा, वो बोलते हैं ना यार कि किसी के फटे में पैर मत डालो नहीं तो फट जाएगा पूरा, तो वही हुआ, जिसके लिए आवाज उठाई उन्होंने ही बैक स्टेप कर दिया, अपने सर पे अंडा फोड़ दिया, लेकिन बोलते हैं अपना दिल साफ है, अपन पहले भी लोगों के हक के लिए आवाज उठाते थे, आगे भी उठाएंगे, जहां जहां लोगों को जरूरत पड़ेगी तो अपना दिल साफ है अपन करेंगे, कोई अपने से मदद मांगेगा अपन हमेशा उनके लिए, तो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, अपना दिल साफ है। एनीथिंग फॉर कैरी मिनाटी ये क्वेश्चन पूछा है तान्या ने, सो तान्या व्हाट एनीथिंग फॉर कैरी मिनाटी, कैरी हैज एवरीथिंग, आई हैव नथिंग, सो गिव मी समथिंग, मेरा बस यही बोलने का मतलब है कि मेरे को प्यार और सपोर्ट दो अभी, और बेल आइकॉन अभी का बीच दबाओ, मेरे को भी चाहिए सब्सक्राइबर, दो मेरे को। फ्यू वर्ड फॉर मीम क्रिएटर्स, कमीनो तुम लोग की वजह से कंट्रोवर्सी में जब आग लगी थी ना तो तुम लोग ने पेट्रोल का काम करके आग को और बढ़ा दिया, तो टू बी फ्रैंक गाइस इन लोग के वजह से सोशल मीडिया पे देयर्स अ क्रिस्प और इनके कंटेंट एकदम अच्छे होते हैं, इन लोग का सोचने का तरीका और नजरिया एकदम अलग होता है, इनके वजह से सोशल मीडिया पे अपन इतने एंटरटेन होते हैं, सो थैंक यू सो मच। व्हाट डू यू थिंक कैरी वाज राइट और रॉन्ग? तो यार गाइस मैं बोलूंगा कि आपके जगह पे आप सही हो, मेरे जगह पे मैं सही हूँ, उसके जगह पे वो सही है, उसके लिए मैं गलत हूँ, मेरे लिए वो गलत है, तो यार ये तो सोचने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप भी चलते रहो मैं भी चलते रहता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फैंस के लिए भी कुछ बोल दो ब्रो, तो ये क्वेश्चन पूछा है मुशर्रफ ने, तो मुशर्रफ यार पहली बात आप लोग फैंस नहीं हो, आप लोग मेरी फैमिली हो, आज मैं जो भी कुछ हूँ जो जगह पे हूँ वो सब आप लोग की वजह से, तो बस इतना ही बोलूंगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करना और आपका आमिर आप लोग को कभी लेट डाउन नहीं करेगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो गाइस फाइनली आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप किससे इंस्पायर हुए हो? तो लेट मी टेल यू कि मैं कोई हॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड एक्टर या कोई सेलिब्रिटी से इंस्पायर नहीं होता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ मेरे डैड से, क्योंकि मेरे डैड ने हमेशा मेरे को सिखाया है कि इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, आप जो हो वही दिखाओ,
और आप अगर कोई चीज गलत हो रही है ना तो उसके ऊपर आवाज उठाओ, नो मैटर व्हाट, आप गलत हो सही हो, आपसे अगर गलती हुई है तो गलती की माफी मांगो और आगे बढ़ो और अपनी गलतियों से सीखो। तो जो ये होता है ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग एक चीज होती है, तो वो सारी चीजें मेरे डैड को देख देख के मैं सीखते आया हूँ अभी तक। और बोलते हैं ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आपकी लाइफ को ना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने का, यही मैंने मेरे डैड से सीखा है। तो यार आई एम प्राउड कि मेरे को ऐसे प्यारे से डैड मिले जिन्होंने मेरे को हमेशा से इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच डैडी, आई लव यू, और आई लव यू मॉम, आई लव यू फैजल, आई लव यू डॉली। एंड इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को एंड करते हैं, और गाइज इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये टॉपिक फाइनली यहाँ पे एंड करते हैं, मेरे को आगे ये टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करने का है, क्योंकि जो हो गया, मूव ऑन करो लाइफ में, बार बार मैं वही एक ही चीज रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और मेरे को किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सब अपने लाइफ में खुश रहे, मेरे को भी अपनी लाइफ में खुश रहना है, मेरे को भी आगे बहुत सारी चीजें करना है, और ये यूट्यूब है, यहाँ पे आगे मैं ट्राई करूंगा आप लोग को एंटरटेन करूँ, आगे और मस्ती करेंगे, बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। मेरे को चाहिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ये दो तरफा रख के आप लोग मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, और वैसा अपन सब लोग मिलके करेंगे यार, जो भी है जैसा भी है चलते रहेगा, सब लोग मचाते रहेंगे। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, और नहीं पसंद आई रहेगी तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो, पसंद आई रहेगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड योर ओपिनियन मैटर्स यार, लव यू।